मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारी है हुसैन। इसी मिसाल को कायम करते हुए और इसी को मिसाल को कायम रखते हुए आज मुमरा में हर समुदाय के लोग 10 मुहर्रम यानी आशूरे के दिन एक साथ मिलकर के उन्होंने आज़ादारी की, ताज़ादारी की। बता दें आपको कि जिस तरह से शिया समुदाय का सबसे पवित्र त्यौहार और गम का त्यौहार मुहर्रम है, इसी पवित्र त्यौहार को शिया समुदाय के लोग भी मनाते हैं, सुन्नी समुदाय के लोग भी मनाते हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी मनाते हैं। 2 साल लॉकडाउन में बहुत ही कम जनसंख्या में होने के कारण जो है ढंग से किसी ने जो है मुहर्रम सुकून से मुहर्रम नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल गाइडलाइन ना होने की वजह से लोगों ने भारी तादाद में शरीक होकर मुहर्रम और आशूरे के दिन को कामयाब किया। जिस तरह से मुमरा के अंदर सुकून से और अमन और शांति के साथ आशूरे का जुलूस निकाला गया, ये जुलूस रेती बंदर पे जाकर के समाप्त हुआ। फ़िलहाल कैसा मुमरा का आशूरे का दिन था और यहाँ के जो एनसीपी के फाउंडर लीडर जनाब अयाज अहसन साहब, कांग्रेस के युवा नेता जनाब सलमान रिजवी साहब और एसएनएन के प्रधान संपादक जनाब अली अब्बास वफा ने कवरेज के टाइम पर क्या कहा है, सुनिए। यौम आशूरा का दिन है आज और मुहर्रम की 10वीं तारीख है। 2 साल से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे जिस तरह से आशूरे के जुलूस को लेकर, आज किस तरह से उस जुलूस को मनाया जा रहा है और प्रशासन का साथ कहाँ तक? देखिए, प्रशासन का साथ हर साल रहा है और इस साल तो हमारे अशोक गठलक साहब ने बेहतरीन इंतजाम करके और उसके साथ साथ तमाम अंजुमनों के वॉलंटियर्स की हमने एक टीम बनाया हुआ है। हर इलाके से वो वॉलंटियर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं और कल हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर सहायक आयुक्त के साहब धनंजय गोसावी साहब और सीनियर साहब अशोक कटलक साहब के मार्गदर्शन में हमने पूरे विजिट किया रास्ते का और जितने झाड़ वाड़ जो बाहर निकले हुए थे साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था वो कटवा के लिया गया है। रेती बंदर के अंदर जो कचरा वचरा है उसको साफ किया गया है और बेहतरीन ढंग से ताजिया सहराने का इंतजाम किए गए। अभी आज ये 10 दिन ख़त्म हुए हैं, अभी बाकी के 2 महीने का जो प्रोग्राम आप लोगों का रहता है उसको किस तरह से मनाएंगे? वो भी एकदम मुनज्जम तरीके से निभाया जाएगा जिससे प्रशासनों को भी तकलीफ ना हो और आवाम का भी सारा काम हो जाए। आज़ादारी अच्छी तरीके से उमरा कौसा में पहले भी होती आई है और आगे भी होगी। हमारे सीनियर साहब इसी साल उन्होंने चार्ज लिया है अशोक गठलक साहब, लेकिन उन्होंने इसकी बेहतरीन तरीके से एक मीटिंग किया है। मीटिंग करके हम लोगों ने तमाम अंजुमनों ने इसमें शिरकत करके उनके साथ एक फुल प्रूफ प्लानिंग किया है कि आगे 2 महीना 10 दिन भी जो है आवाम को तकलीफ न होते हुए किस तरीके से आज़ादारी की जाएगी। अयाज भाई, अब तक कितने वॉलंटियर आपके इसमें लगे हुए हैं और कितने लोग अब तक काम कर रहे हैं वॉलंटियर? देखिए, हर अंजुमन से 20 से 25 जो है वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। रशीद कंपाउंड से लेके आपका जैनबिया से लेकर कौसा चौकी से लेकर सुहाना से लेकर शंकर मंदिर से लेकर अमृत नगर से लेकर आनंद कोलीवाड़ा से तमाम लोग जगह से वॉलंटियर्स है। वो वॉलंटियर्स रेती बंदर तक रहेंगे। रेती बंदर के बैरिकेड्स के आगे सिर्फ वो सहराने वाली हमने 30-40 लोगों की टीम बनाया हुआ है जो ताजिया सहराने के लिए, जिसमें स्वीमर होंगे 10-12 स्वीमर होंगे और बाकी सब जो वॉलंटियर्स होंगे ताजिया पहुंचाने के लिए। इससे ज़्यादा हमने अंदर आने के लिए क्राउड को मना किया। सलमान भाई, क्या कहेंगे इस साल जिस तरह से आशूरे का जुलूस जो है बहुत ही शानदार तरीके से निकाला गया है, जिस तरह से 2 साल लॉकडाउन में लोग जो है परेशान थे जुलूस को लेकर के, इस साल के जुलूस को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, क्लब से खुशी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज 10 मुहर्रम है, शहादत इमाम हुसैन है, लेकिन आप ये समझे कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक में लोगों ने आज़ादारी इमाम हुसैन को सही तरीके से मतलब खुले दिल से नहीं मना पाते थे, ये बार ऐसा हुआ है कि जब से मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली बिल्कुल साफ आह्वान दिया है
कि कोई भी मज़हब का हो, कोई भी फिक्र का हो, अपने अपने त्यौहारों को खुले दिल से मना सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे मुमरा शहर के अंदर, आप मेरे पीछे देखिए कितनी भरी आबादी है। सिर्फ शिया ही नहीं है इसके अंदर, हमारे अहले सुन्नी जमात के भी भाई लोग हैं, हमारे हिंदू बरादर भी हैं इसके अंदर। इमाम हुसैन सिर्फ किसी एक मज़हब के नहीं थे, इमाम हुसैन इंसानियत के थे। जो जो जिस मज़हब के लोग इंसानियत को मानेंगे, इंसानियत के पैगाम को मानेंगे, रसूलल्लाह को मानेंगे, तो उनके नवासे को भी मानेंगे। इसी तरीके से मुमरा शहर इमाम हुसैन की आज़ादारी के अंदर बिल्कुल बढ़ चढ़ के आज़ादारी मनाते हैं। मुमरा प्रशासन को लेकर के इस बार क्या कहेंगे? प्रशासन का तो तय दिन से शुक्रिया, पहले भी करे थे अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसे माहौल के अंदर भी उन्होंने हमको थोड़ी बहुत आज़ादारी करने की परमिशन दी थी। तो खास तौर के मुमरा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के शासन का हम लोग तय दिन से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इस तरीके की परमिशन दी। और बंदोबस्त आप देखिए कि वाई जंक्शन से लेकर रेती बंदर तक हमारे कमिश्नर जी, थाना पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह जी और मुमरा सीनियर PI अशोक कटलक जी और हमारे मुमरा के क्राइम PI बाला साहेब निकम साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिले को चेकिंग कर रहे हैं आज इस दौरे को लेकर, बंदोबस्त को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? उसका बंदोबस्त लगा हुआ है कि कोई भी अनुचित प्रकार से सर, जो जैसे कि अभी जुलूस निकल गया है, निकलने के बाद पुलिस बंदोबस्त ने काफ़ी हद तक पुलिस बंदोबस्त बराबर है, और क्या कहना चाहेंगे आवाम को लेकर जो इस बंदोबस्त का साथ सपोर्ट करे? शांति प्रिय लोग हैं सर, सब ये शांति से होगा, ये मुझे गारंटी। ओके। की घड़ी है करबला वालों, न गम से हो सका कुछ भी अदा, हक मेजबानी का शर्मिंदगी है, करबला वालों खुदा पे तुम्हारे साथ, जहरा भी यहाँ तशरीफ लाई थी, भी तुम्हारे साथ जाती है, घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, उदासी छा गई रह गई है, ये हसरत रह गई है करबला वालों खुदा पे, किसी सूरत बहलता ही नहीं दिल कैसे बहलाए, बेकली है अजब है बेकली करबला वालों खुदा पे खुदा।
मातम बिछाएंगे। अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर।